बेटा मम्मी हम हैं ठीक हो जी? ठीक ठाक। तो कैसे आना हुआ भैया? क्या बताऊं भाभी जी, बिटिया की शादी करनी है, कोई लड़का नहीं मिल रहा था तो आपके लड़के, सोचा आपके लड़के के बारे में बात कर लूं। ये बात तो ठीक है भैया, पर शादी के बारे में तो लड़का ही बताएगा। हाँ भाभी जी, लड़के से पूछना भी जरूरी है। सोनू बेटा। जी मम्मी। इधर आओ। अभी आया। कोई मिलने आया है? अभी आ रहा हूँ मैं। नमस्कार बेटा। जी मम्मी। ये तुम्हारे रिश्ते के लिए आए हैं। ठीक है चाचा, मेरी कुछ डिमांड है, अगर तुम पूरी कर सकते हो तो मेरी तरफ से हाँ। हाँ बताओ आपकी क्या डिमांड है। ठीक है मैं लिख रखी हूँ, अभी बता दूँ। ठीक है भाभी जी, लड़का हमने देख लिया है और लड़के की डिमांड भी हमने सुन ली है, हम आपको बाद में बताएंगे। अच्छा नमस्कार। नमस्कार। प्रिया भाई राम राम। बहुत परेशान नजर आ रहे हैं आप, क्या बात? अरे लक्ष्मी पांडे का ना भाई, जी लड़की जवान हो गई है, कुछ शादी की चिंता सता रही है, कोई लड़का नहीं मिलता और लड़का मिलता भी है तो दहेज मांगते हैं। हरे राम राम। बस यही बोल, यही परेशान है। चलिए मैं आपकी परेशानी हल कर देता हूँ। एक लड़का है समाज में। लड़का तो ठीक है लेकिन दहेज वहेज तो नहीं मांगेगा ना? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप बेफिक्र रहो, आपसे दहेज भी नहीं लेगा और साथ के साथ दोनों तरफ का खर्चा उठाएगा। कब चलोगे भैया फिर? आप जब मर्जी बोलेंगे तब तो मैं आपके पास आ जाऊंगा और लड़के को दिखा भी आऊँगा। कल चलो भैया, आपका बहुत बड़ा एहसान। अरे एहसान क्या बात, हम समाज में ही हैं और समाज में रह करके काम करना है। अरे आपका घर बस जाएगा, आपकी लड़की का तो एक अच्छा काम होता है। एहसान किस बात का? ठीक है भैया कल चलते हैं। ठीक है जय राम जी। जय राम जी भाभी जी। अरे लाला। कौन है? मैं पप्पू। हाँ भाई पप्पू आ बैठ। और कैसे हो? बस ठीक है। अच्छा ये है लाला, ये हमारा दोस्त है, कुछ दिन पहले इनका इसकी बीवी का देहांत हो चुका है और इसके लिए मैं तुम्हें बात किए। तुम्हारी सगाई में शादी की बात करने आया। ठीक है चाचा, मेरी कुछ डिमांड है, अगर तुम पूरी कर सकते हो तो मेरी तरफ से हाँ है। हम बताओ आपकी क्या डिमांड है। ठीक है मैं लिख रखी हूँ, अभी बता दूँ। हाँ भाई हरिया। अरे कहाँ खो गए? हाँ यार पप्पू, जो तू कर रहा है ठीक कर रहा है और अपनी बेटी समझ के जो भी काम करना वही बच्चों को पता ठीक कर रहा है। चल कर देते हैं इनकी शादी, चट मंगनी पट भैया मंदिर में कर लेते हैं, कुछ खर्चा भी बच जाएगा। हाँ जैसे आप। ठीक है ठीक है। हाँ भाई लाला, तो रिश्ता मंजूर है ना? हाँ ठीक। राम राम।
अरे लक्ष्मी क्या हुआ? जब से तुम गए हो देखो तो कैसे बुखार हो गया, तो ना जाने कैसी कैसी बीमारी आ रही है, और तुम सुबह से गए हो। देख तेज बुखार है। हाँ चलो डॉक्टर के दिखा के लाओ जाओ। चलो उठो डॉक्टर को। ठंड लगती है बेटा? नहीं। जुकाम है क्या? नहीं। खांसी? नहीं। चाचा फिलहाल तो ये बुखार नहीं है। नहीं। ठीक है मैं दवाई लिख देता हूँ। डॉक्टर साहब बढ़िया सी दवाई लिख देना, जो बिटिया रही जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। चिंता ही मत करो चाचा, क्योंकि मुझे इसकी जल्दी जल्दी शादी करनी है। ये 3 गोली हैं, एक एक सुबह शाम दोपहर। ठीक है। ताज़ा पानी से। ठीक। और परहेज का थोड़ा ख्याल रखना बेटा, ठंडी चीज़ तली हुई चीज़ नहीं खानी। ठीक है। ठीक है चाचा। पैसे? पैसे 30 रुपये दे दो। चाचा एक मिनट सुनो चाचा। हाँ बैठो चाचा। जी डॉक्टर। चाचा एक बात का ध्यान रखना जी, वैसे लड़की उम्र शादी लायक नहीं है जी, लेकिन अगर शादी कर रहे हो ना जी तो लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट करा लेना जी। अच्छा। आजकल एड्स की बीमारी चल रही है और किसी एक की गलती की सजा दूसरे को भुगतनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, इस बात का खास ध्यान रखना। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा किया मुझे ये सलाह दी, और मैं परेश का खास ध्यान रखना। ठीक है चाचा। अरे लाला। हाँ। छोटी ब्लड टेस्ट के लिए बोल रहा। अरे पप्पू ब्लड टेस्ट होना ना चाहिए किसी भी हालत के अंदर, ये शादी शुदी का मामला है। बिल्कुल भी ब्लड टेस्ट नहीं। चल कोई बात नहीं, तू ऐसा चिंता मत कर, मैं ऐसा काम बनाऊंगा याद करोगे तो। क्या हुआ? सर्दी लग रही है। मैं अभी पापा को बुला के लाती हूँ। जल्दी आना बुला के। अभी जा रही हूँ। क्या हुआ बेटा? तबीयत खराब है। चलो चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँ। सांस लो थोड़ा। आप उधर बैठो, आप उधर बैठो। क्या बोलना? तबीयत ज़्यादा ही खराब है, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। ठंड लगती है? ठंड लगती है। ऐसा है आपका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ मेरे को लग रहा है कि आपको मलेरिया भी दिखा दी। अच्छा सर आप इनका ब्लड टेस्ट कर दो। ठीक है आप उधर जाओ ब्लड टेस्ट करा दो। छोड़ दो। ऐसा है
इसकी बीमारी है और फाइनल स्टेज में इनको बचाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन इनकी बीवी और अगर कोई बच्चा हो तो उसका ब्लड टेस्ट जरूर आएगा। ठीक है, ऐसा है अगर उनको एड्स की बीमारी इनिशियल स्टेज में होगी ना जी, तो उनको बचाना आसान हो सकता है जी, उनको बचाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इनके लिए कुछ टैबलेट्स ले लेता हूँ। देखो ये दो टैबलेट हैं जी, एक सुबह दूध से और शाम को ताज़ा पानी से, ठीक है, खट्टी नहीं होती है। अरे पप्पू भैया देख लिया ना तुम्हारी लापरवाही का नतीजा, डॉक्टर साहब ने बोला था कि खून टेस्ट करा लेना शादी से पहले, लेकिन आपने एक बात नहीं है, हो गई ना मेरी बेटी की जिंदगी खराब। को कॉल